हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 92 आवर स्टूडियो। और आज का हमारा वीडियो काफ़ी यूनिक होने वाला है, क्योंकि स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारे न्यू कमर व्यूवर्स के लिए, जो कि हमारे आर्टवर्क को देखकर इंस्पायर होकर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। और सबसे पहले वो लोग करते हैं रिसर्च, और रिसर्च करने पर उनको वीडियोज़ मिलते हैं ज़्यादातर स्केचिंग शेडिंग के बारे में। और उन आर्टवर्क को देखने के बाद वो लोग इतने इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन सेम टाइम वो लोग डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि उनके आर्टवर्क को देखने के बाद उनको लगता है कि क्या हम ऐसा बना पाएंगे, ये क्या हम ऐसा स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उन आर्टिस्ट को देख रहे हैं जो अपने फील्ड में ऑलरेडी माहिर हैं और हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। और सबसे मेन रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्ट और आर्टिस्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उसमें कुछ बॉलर्स होते हैं, कुछ फील्डिंग में माहिर होते हैं, कुछ बैटिंग में माहिर होते हैं, लेकिन खेल क्रिकेट एक ही अम्ब्रेला के अंडर में आता है। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आर्ट का जो फील्ड है वो एक ही फील्ड है, लेकिन उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग तरह का आर्टवर्क होता है। और आज का मेरा वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान में कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट ज़रूर छुपा होता है। अगर आपको मेरी बात का बिलीव ना हो तो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की नोटबुक का लास्ट पेज आप देख सकते हैं, और क्लासरूम की टेबल्स भी। और हमारी कंट्री में ये वाला आर्टवर्क भी बहुत फेमस है। मंडाला आर्ट हमारे इंडिया की सबसे फेमस और सबसे पुरानी आर्ट टेक्निक में से एक है। मंडाला में आपको एक शेप के अंदर रैंडम पैटर्न्स रिपीटेडली ड्रॉ करने होते हैं, और स्पेशली हमारे मेहंदी आर्टिस्ट आज भी इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब ये फाइनल रिज़ल्ट जब आपको बनने के बाद देखते हैं तो आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन और पीस ऑफ माइंड वाली फीलिंग देता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डूडल आर्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हमारे दिल और दिमाग की सुनते हुए इंडिपेंडेंटली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किए, और जिसका रिज़ल्ट होता है ये क्यूट से कैरेक्टर्स। अब ये कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं और हम इसमें कलर भी फिलअप कर सकते हैं। और डूडल आर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने वाले और देखने वाले दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ज़रूर आ जाती है। वाटर कलर आर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा फेमस टेक्निक है, जिसमें हम रियलिस्टिक पेंटिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इनको सीखने के लिए सबसे पहले हमें जिन पे फोकस करना होगा और वो है कलर मिक्सिंग और ब्रशेस की स्ट्रोक। और इन दोनों में परफेक्शन लाने के बाद हमारे रिजल्ट कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। एनीमे आर्ट एक जैपनीज आर्ट फॉर्म है जिसमें हम बड़ी बड़ी आंखों वाले शार्प एजेस वाले कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। ये आर्ट फॉर्म ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड स्पेशली यूथ में काफ़ी फेमस है। और अगर आप सोच रहे हैं कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनने की, या आप एक कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं, तो आप ये आर्ट फॉर्म ज़रूर एक बार ट्राई करें। एनीमे आर्ट की स्पेशलिटी होते हैं इसके कैरेक्टर्स, जो कि अपने लुक से हाफ ऑफ द स्टोरी को डिफाइन कर देते हैं। इस आर्ट फॉर्म को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे सोशल मीडिया पे, तो आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में स्केच आर्टिस्ट मिल जाएंगे। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद आर्टिस्ट अपने रिजल्ट से कुछ इस तरह से शॉक दे देते हैं, जिसके रिजल्ट काफ़ी जॉ ड्रॉपिंग होते हैं। अगर आप भी इस आर्ट फॉर्म को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए शेडिंग का और ढेर सारी प्रैक्टिस। अगर आप परफेक्शन ले आए हैं तो आप तैयार हैं स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए। किसी भी आर्टवर्क को डिजिटली किसी गैजेट के थ्रू ड्रॉ किया जाता है, उसको डिजिटल आर्ट कहा जाता है। अगर आपका शेड्यूल बिजी है और आप आर्टवर्क करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। प्रीवियसली जो भी आर्ट फॉर्म्स मैंने मेंशन किए हैं, वो सारे आर्टवर्क आप इसमें बना सकते हैं। आपको एक टैबलेट और स्टाइलस पेंसिल की ज़रूरत होती है।
अगर आपके पास पीसी है तो आप अपने पीसी में भी डिजिटल पैड कनेक्ट करके बना सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप मेरा तरीका अपना सकते हैं, जो कि है अपने सेलफोन में ड्रॉ करना। अब लास्ट हम बात करेंगे सबसे यूनिक स्टाइल की, जो कि है कैलीग्राफी। अपनी फॉन्ट्स को बड़े ही ब्यूटीफुल स्टाइल और यूनिक वे में लिखने को कैलीग्राफी कहा गया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। मार्केट में डिफरेंट टाइप के कैलीग्राफी पेन और मार्कर्स अवेलेबल हैं, आप उनको परचेस कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अब मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन कैलीग्राफी आर्टिस्ट को जिन्होंने मेरी स्पेशल डिमांड पर मेरे लिए ये बनाया है, जो कि बहुत जल्द हमारे बैकड्रॉप पे हम लगाने वाले हैं। आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देख सकते हैं और आप इनका डेडिकेशन देख सकते हैं कैलीग्राफी को लेकर, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरह से अपना ऑसम आर्टवर्क बनाते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और मेरा जो आज का मेन मोटिव था कि आपके अंदर के सोए हुए आर्टिस्ट को जगाने का, और अगर आप मेरे इस वीडियो से इंस्पायर होकर कोई भी आर्टवर्क बनाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करना ना भूलें। और आपको क्या करना है, आप खुद समझदार हैं, सब्सक्राइब एंड फॉलो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।